Hello students, today we are going to solve a question from the chapter Light, Reflection and Refraction. Here's the question. A man suffering from myopia can read book placed at 10 cm distance. For reading the book at a distance of 60 cm with relaxed vision, focal length of the lens required will be. Ek myopia hai ek insaan ko, right? Myopic eye hai, jisko ki dur ka nahi dikhta hai. वो इजीली पढ़ सकता है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाले कोई भी ऑब्जेक्ट को, लेकिन अगर वो 60 सेंटीमीटर में रखेंगे हम, तो हमें कौन सा जो लेंस अगर हम यूज करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी ये पूछा है, ठीक है। मायोपिया के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस, ठीक। अभी तो हमें कनकेव लेंस का से उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर सपोज यहाँ पे है, ये हमारा आई लेंस है, ठीक है, ये ह्यूमन की आई है तो ये आई लेंस है। अब सपोज यहाँ पे क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर तक अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ये 10 सेंटीमीटर है, तो दैट पर्सन कैन इजीली रीड दी बुक, राइट। अब बोला है कि अगर वो 60 सेंटीमीटर पे हम लोग बुक रखेंगे तो जो हम लेंस यूज करेंगे उसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक ऐसा कनकेव लेंस यूज करें जो क्या करे, जो ये 60 में रखा है 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज को वो 10 सेंटीमीटर तक लेके आ जाए, ठीक है, ताकि हमारी आईज वो इमेज को कैच करेगी और हमें वो ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे दिख जाएगा, राइट। तो देखो हमें क्या गिवन है कि वी जो है मेरा वो कितना है, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों बोला मैंने, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। यू अगेन -60 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। एफ निकालना है, ठीक है, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इन तीनों में जो रिलेशन होता है क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, दैट्स इट, ठीक है। इसे पुट कर दो, 1/f = 1/-10 - 1/-60, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा +1/60। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा -6 + 1/60, ये आ जाएगा -5/60 -1/12। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो कितना है, -12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर है और लेफ्ट हैंड साइड में है फोकल लेंथ, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।